झारखंड के युवक के प्यार में सात समुद्र पार कर झारखंड आई विदेशी महिला। उसके साथ हुआ ऐसा कि अब वह जाना चाहती है अपना देश। भारत के युवा विदेशी महिला को बहुत भा रहे हैं। एक ओर सचिन और सीमा को देख लीजिए, तो वहीं दूसरी ओर पोलैंड से झारखंड आई यह महिला। सीमा की प्रेम कहानी लोगों को फर्जी लग रही, लेकिन इस महिला की प्रेम कहानी सच्ची है। विदेश से झारखंड आई 45 वर्षीय विदेशी महिला पैसे वाली है। पोलैंड में उसका घर और गाड़ी है। झारखंड के 35 वर्षीय प्रेमी युवक को अपने देश ले जाना चाहती है। उसके साथ उसकी 5 साल की बच्ची भी है। महिला तलाकशुदा है। जब महिला झारखंड आई तो प्रेमी ने उसके लिए टीवी एसी लगवा दिया। उसने कहा कि भारत खूबसूरत जगह है, लेकिन जिस जगह वह रहती है वहां गांव वाले विचित्र निगाहों से देख रहे हैं और उसे इस तरह देखना पसंद नहीं। वह दूसरे देश से भले ही है, लेकिन है तो वह इंसान ही। आइए जानते हैं उसकी प्रेम कहानी को। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार तो सात समुद्र पार झारखंड पहुंची पोलैंड की महिला। प्रेमी के घर उमड़ा लोगों का हुजूम। सोशल मीडिया के जमाने में प्यार भी वैश्विक हो गया है। प्यार कब और किससे हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। इन दिनों चार बच्चों की मां सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की कहानी सुर्खियों में है। इस बीच पोलैंड की 45 वर्षीय महिला बारबरा पोलाक और झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड के कुटरा गांव के 27 वर्षीय सादाब मलिक की प्रेम कहानी सामने आई है। अपनी प्रेमी से मिलने के लिए बारबरा पोलाक अपनी 5 वर्षीय बेटी आनिया पोलाक के साथ पोलैंड से हजारीबाग पहुंच गई है। दोनों के बीच प्यार का कनेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से साल 2021 में हुआ था। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला 26 जून 2023 को भारत पहुंची और फिर मुंबई के रास्ते एक सप्ताह पहले हजारीबाग पहुंची। वह पहले भी सदाब से मिलने के लिए भारत आ चुकी है। दोनों मुंबई में मिलते रहे हैं। वह पहली बार हजारीबाग आई है। आने से पहले महिला ने सदाब के घर में अपने अनुसार रहने और खाने की व्यवस्था कराई। कमरे में एसी लगवाई। आने के बाद खुद पोलैंड देश के खाने को बनाकर खाती है। जांच के दौरान हजारीबाग पुलिस ने महिला को शहर के किसी एक होटल में रहने की सलाह दी, मगर महिला खुटरा गांव में ही सदाब मल्लिक के घर पर डेरा डाले हुए है। उसे देखने के लिए गांव में महिलाओं का हुजूम उमड़ रहा है, जैसे गांव में तमाशा लगा हो। बताया गया कि उसके पास 2028 तक भारत में रहने तक का वीजा है। बारबरा पोलाक शादीशुदा महिला है और उसकी एक बच्ची है। पति से तलाक हो चुका है। वह पोलैंड की एक कंपनी की मालकिन है, जिसमें 50% की शेयरदार है। महिला का पति न्यूजीलैंड में रहता है। सदाब के अनुसार बारबरा उसे पोलैंड ले जाना चाहती है। महिला की बच्ची सदाब को डैडी कहकर पुकारती है। सदाब अविवाहित है। वह अपने मामा के साथ रहकर मुंबई में बीए ऑनर्स की पढ़ाई की और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह कोरोना काल से ही खुटरा गांव में ही रह रहा है। अंग्रेजी समझने और बोलने के कारण ही दोनों के प्यार में भाषा बाधा नहीं बनी। अब आगे यही देखना है कि इस प्यार का क्या मोड़ आता है।